हेलो, हाँ वीडियो वीडियो आ रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा, याक भाई ओरिजिनल। एक गलत रास्ता ले लिया है और हम लोग 20-25 किलोमीटर ऑफ रोड करते हुए आगे निकल गए। मतलब ये वाली जो लोकेशन है ना, नेक्स्ट लेवल है भाई। यार ये तो बढ़िया से मिल गया है। यहाँ पे अनुपम खेर का फोटो है। ओ परिणीति चोपड़ा भी, क्या बात है। ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ पे मनांग से थोड़ा सा ही दूर रह गए एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट पड़ा। ये जो है रेस्टोरेंट, दिस इज फार्म हाउस, बहुत बढ़िया बना हुआ है मनांग के रास्ते में। एंड वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड चिकन फ्राइड राइस यहाँ पे, जो सबसे जल्दी बन जाएगा। एंड बैठ के खाएंगे यार, भूख लग गया। ये इतना ऑफ रोडिंग हुआ है ना, पूछो मत। एंड रेस्टोरेंट जो है अंदर से भी अच्छा है, अंदर से भी आप लोगों को वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं। सिर्फ गो हियर, यहाँ पे देखो पूल, स्नूकर, हर एक चीज़ है। तो ये जो स्टे है मनांग जाने के रास्ते में पड़ता है, और क्या ब्यूटीफुल स्टे लग रहा है यार। मतलब हर एक चीज़ देखो यहाँ पे अलग सी है। और ईगल, दिस इज ओरिजिनल। ओ हॉक, हॉक भी देखो भाई ओरिजिनल है। एंड उसके बाद में यहाँ पे ये ऐसा हीटर लगा हुआ है उसी के साथ में। देन यहाँ पे देखो ये इसका, ये क्या याक है ना, है याक भाई ओरिजिनल। ओ माय गॉड, बाप रे, बढ़िया एकदम। यहाँ पे पीछे पूरा एप्पल गार्डन भी है। वाह क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, इससे आगे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या सही है। तो ये स्टे बड़ा बढ़िया लग गया है, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया यहाँ पे एग और चिकन फ्राइड राइस। ये वाला जो स्टे है ना बहुत बढ़िया है। यहाँ पे पीछे एप्पल फार्म है, जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा। एंड यहाँ से देखते हैं लंच करके निकलेंगे। अभी टाइम तो अराउंड 2:00 हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है, 2:30 बज रहा है। सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से जो हम लोग जहाँ पे लंच किया वहाँ पे आए वापस, क्योंकि मनांग में जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्राउडेड जगह है। और यहाँ पूरा ना रॉ एकदम नेचर के बीच में है, मतलब ये वाली जो जगह है। तो लेट्स सी, अगर हम लोग जाके वापस आते हैं देन विल स्टे हियर। महंगा है स्टे थोड़ा सा, बट एक दिन जो है ना पूरा मतलब फुल रेस्ट वाला मज़ा आ जाएगा। भाई साहब जंस्कार, क्या बोल रहे हो, जंस्कार जैसा लग रहा है। लेट्स स्टॉप हियर, गाड़ी आ रही है। ओई देख रहे हो यहाँ पे कितना नीचे, ये पूरा पानी भर जाता होगा ऊपर तक। विल मेंटेन सम डिस्टेंस, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के टाइम है ना, मोमेंट चाहिए रहता है। ओ बच गया, थोड़ा आगे वाली बाइक रुकती है ना तो अपने आप से ना ब्रेक दबाना पड़ जाता है। मतलब अपने आप से मेमोरी मसल ना, मसल मेमोरी ऐसी बिल्ट है कि रुक जाते हैं। काफ़ी स्टीप है यार, एक घंटे में यही आना और जाना। लेट्स सी, उधर तो पूरा धूप दिख रहा है। क्या बात है, क्या लोकेशन पड़ा है। ये वाली जो लोकेशन है ना, नेक्स्ट लेवल है भाई। अभी तक नहीं पड़ी ऐसी, पूरा लकड़ी का ब्रिज है और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। भाई साहब मतलब आज का जितना डेटा हुआ होगा ना, जिंदगी में कभी नहीं किया होगा मैंने इतना डेटा रिकॉर्ड।
इतनी वीडियोस, पूछो मत। पासिंग वाह यार, ऐसे वाले में ना स्पीड बना के रखो तो जो आपका बाइक है ना इधर उधर नहीं भागेगा, सीधे चलता रहेगा। एक बार यहाँ पे रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेट्स स्टॉप। सीधा इधर तो भाई साहब, मतलब सुसू ब्रेक लेने में मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखो उधर वाली पहाड़ी देखो, वहां पे जो दिख रही है ना पूरी रॉक है, पूरी रॉक। किधर साइड जाना है? मनंग 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 हियर। ओके, काफी स्टीप है यार। किधर जाना है? लोल गो गो गो। हाँ भाई साहब, बंदी ने गलत बता दिया, गलत आ गए, डर डर है यहाँ पे। नीचे जाना हम लोगों ने, ओए ऊपर तो देखा ही नहीं मैंने। वाह, हाँ ऐसी जगह पे ना मैक्सिमम गिरते हैं, दूसरा साइड में वेट डाल के रखना। ओए सी दैट माउंटेन, कैसा पूरा पत्थर का माउंटेन है यार, अलग। इतना क्या आवाज कर रही है? मनंग का जो दिखा रहा था वो 1 आवर के प्लस दिखा रहा था कुछ, आई गेस यहाँ से थोड़ा सा और आगे होएगा। पता नहीं रास्ता कुछ तो बोल रहे हैं कि उधर से था, अभी पुल से जाना रहेगा।
एक गलत रास्ता ले लिया है और हम लोग 20-25 किलोमीटर ऑफ रोड करते हुए आगे निकल गए। साथ में दिखाई यही रहा था, पता नहीं क्या मैप्स का कुछ इशू एंड जैसे कि हमेशा ही रहता है। एंड हम लोग ना सीधे लगे जाके दूसरे रास्ते में, एक बंदा सजेस्ट कर रहा था 10-11 किलोमीटर आगे जाके मिल जाएगा, बट पता नहीं, रिस्क नहीं ले सकते अभी, ऑलरेडी शाम होने वाला है। सो वी हैव टू सी कि कौन सा जो है रास्ता वो जा रहा है टुवर्ड्स मनंग, क्योंकि एक पैरेलली रिवर के उस साइड में रोड चल रही है एंड आई गेस दैट इज़ द करेक्ट रोड क्योंकि मैप में भी वही दिखा रहा है। तो दोबारा इस ब्रिज पे आ गए, आई गेस यहीं से था टर्न जो हम लोगों ने गलत ले लिया कहीं पे। तो ये थोड़ा सा ट्रेल वाला रास्ता है, समझ नहीं आ रहा रास्ता, समझ नहीं आ रहा है, देखता हूँ वही है ना। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेट्स सी। अभी रोड के मतलब नदी के इस पार तो आ गए हैं, आई गेस यही वाला रोड है। हाँ हम लोगों ने एक राइट टर्न ले लिया था, तो वो मैं डाल दूंगा जैसे भी ब्लॉग में कि कौन सा वाला गलत टर्न लिया। अगर स्ट्रेट चले जाते हो ना काफ़ी, फिर आगे निकल जाओगे, पता नहीं लगेगा। सीमेंट का रोड का काम चल रहा है ना, देन दिस इज द ओनली मेन रोड। सही है, वी आर ऑन द करेक्ट रूट नाउ। वाटर क्रॉसिंग, या हम लोग ना कर क्या दिए थे कि जो गलत टर्न लिए तो उसकी वजह से हम लोग उधर वाले रास्ते में पहुंच गए और वो कुछ तो दूसरी एक और जगह जा रहा था, लिखा भी नहीं था एक्चुअली, कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है, थोड़ा सा अभी रास्ते का काम चल ही रहा है। ओ भाई बुल्लू भाई आगे जा रहे हैं, पूरा धूल उड़ाते हैं। तो हम लोग उस वाली रोड पे थे, अभी यहाँ पे यहाँ से 15 किलोमीटर से रहेगा, उस टाइम पे नहीं, थोड़ा सा पीछे आ गया ना, आई गेस 17-18 हो गया होगा। यही है रास्ता जो दिख रहा था वहाँ से। डुक 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 होने लग जाती है G2 में, गियर 2 में मतलब। मार ले होटल, मार तो ली है, तो मतलब अभी जितना किलोमीटर हम लोग करके आए हैं 333 हो रहा है, वापस जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता तो ठीक ही है वैसे। क्या जंप हो रही है गाड़ी, अभी सस्पेंशन ना पूरा काम कर रहा है, बढ़िया चू चू भी कर रहा है, बट ठीक है। यो मजे है जबरदस्त वाले, इतना टाइम से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं यार, सुबह का 6, 6:30, 7 बज गया था, तब से अभी शाम होने वाली है। यो थोड़ा सा वेट उस साइड शिफ्ट करना एंड देन रेव इट।
भाई साहब ये लास्ट का ना ऑफ रोड बहुत ही ज़्यादा है, इनसे पूछ लेते हैं। सर मनंग मनंग मनंग, हाँ मनंग, मुश्किल लग रहा है यहाँ से वापस जाना दोबारा, क्योंकि होटल में बात तो करके आए, एक तो स्टे भी थोड़ा सा महंगा है, एंड ऊपर से लास्ट जो पॉइंट होता है ना हम लोगों का, उधर पे रुकने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो तो बीच में था काफ़ी, मतलब 25-25-30 किलोमीटर के पीछे। मजा आ रहा है। धूल ही धूल, कोहरा ही कोहरा। भाइयों मनंग में बस लैंड करा दो, बहुत ऑफरोडिंग हो गया है भाई साहब। मतलब यहाँ पे क्या नज़ारे हैं, अलग लेवल। सब पूरा फॉर्मेशन बना के चल रहे हैं यहाँ पे, एंड ये देखो भाई करना। लुक एट दैट, इंडियन गाड़ी है। यस भैया इंडियन गाड़ी है, वेस्ट बंगाल से, पहचान गए। लुक एट दिस गाइस, क्या एक्सपीरियंस है भाई देखने का। यहाँ से ऐसा कहीं लद्दाख में दिखेगा बताओ, इतना मतलब हरा भरा, और बगल में ऐसा पहाड़ियाँ पूरा स्नो से कवर्ड ऊपर तक। तो यहाँ पे लोग ऊपर तक जाते हैं। ये वाला पीक नहीं है, इसके पीछे भी पीक है। चलो लेट्स सी, क्योंकि ये सारे होटल ना मैप्स में दिखा रहा था, तो एक वो घनी बस्ती है मनंग जो भी है। लेट्स सी कैसा है, 5 मिनट अभी दिखा रहे हैं यहाँ से। रुक जाओ, आई लिफ्ट इट। ये टैंक बैग हटा दो, बस टैंक बैग हटा दो, टैंक बैग ये इधर पे है ना, ये थोड़ा सा ना, वेट। नहीं नहीं रुक जाओ, हो जाएगा। Yes. लगा क्या? नहीं लगा। That is Khang sir. So left side it is showing Khang sir and the right side is Manang. We can go till Khang sir also. Let's see. We'll find some better hotel and if possible we'll go and come back. ये जो सिटी दिख रही है, मतलब छोटा सा शहर है, ये है Manang, और उधर वाला जो रास्ता चला गया है बेसिकली वो Khang sir तक जाता है, 19 किलोमीटर से। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड रहेगा वहाँ पे अभी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। तो एनीवेज दिस इज़ द प्लेस, क्या ब्यूटीफुल है। और सनराइज़ होएगा ना, इधर सनसेट हो रहा है, दैट मीन्स सनराइज़ इधर से होएगा, और उस टाइम पे जो पूरा गोल्डन जो लाइट चमकेगी ना भाई, मज़ा आ जाएगा। ओ तेरी भाई साहब, वहाँ से पूरा पानी आता है यहाँ पे इधर तक। अभी थोड़ा सा इन्होंने कर रखा है, बट आई गेस बर्फ जब ज़्यादा पिघलती होगी यहाँ पे जो हाल होगा ना। फाइनली मेड इट, मज़ा आ गया भाई। आज का ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो वो है, क्या बात है, बढ़िया बन रहा है यार ये तो, एकदम मस्त। Manang होटल एंड लॉज, छोटा सा जगह है। नमस्ते तकाली चिकन किचन, सॉरी चिकन सुनाई दे रहा है अभी, मतलब चिकन खाने का मन कर रहा है।
यो क्या है यहाँ पे, खुकरी मिल रही है भाई साहब। ये तो बैंगलोर से भी खतरनाक स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं इधर पे। हेलो, हाँ वीडियो वीडियो आ रहा है। छोड़ो। कौन सा वाला? चलो अच्छा, परमिट है यहाँ पे एंट्री। तो आज की हम लोग डेस्टिनेशन लोकेशन में पहुंच चुके हैं, मनांग में। फाइनली वी मेड इट। और ये है होटल येती, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज। कल देन अगेन हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। यार ये तो बढ़िया स्टे मिल गया है यहाँ पे। बोमन ईरानी एंड अनुपम खेर दोनों ही आके रुके थे। और ये वाला जो है ना, ये बहुत बढ़िया है यार। मतलब ये है याक के, ये मतलब याक का जो ओरिजिनल फर होता है ना वो है। एंड ये देखो यहाँ पे अनुपम खेर का फोटो है। एंड इधर साइड में बोमन ईरानी, एंड इधर पे ओ परिणीति चोपड़ा भी। क्या बात है, सही यार। आज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपना लास्ट डेस्टिनेशन में मनंग। एंड आज का राइड अमेजिंग था। यहाँ पे जो है हम लोगों का, यहाँ पे जो है हम लोग स्टे कर रहे हैं, आई लव येती होटल है यहाँ पे। एंड यहाँ से आप लोगों को पूरी अन्नपूर्णा रेंज जो है वो यहाँ पे दिख रही होगी। लुक एट दैट, यहाँ से पूरा जो है ट्रैकिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। इधर से खांगसर के लिए भी रास्ता है। एंड इधर पे एक और पॉइंट है, बट उधर वाले प्लेस तक भी जो है ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। 25 मिनट लगता है भाई, इधर से देख के ईजी लग रहा था। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, 3 पार्ट में डाला है पूरा, जरूर देखना, मज़ा आएगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।